शास्त्र भाग 10 म्यूजिक थ्योरी पार्ट 10 राग परिचय श्रृंखला में आज हम देखेंगे राग काफी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं संदीप अशंपायन आपका मेंटर स्वप्नदीप एकेडमी चैनल से आपका स्वागत करता हूं। तो राग काफी के बारे में राग चंद्रिका सार इस पुस्तिका में एक श्लोक लिखा हुआ है, चलिए इसे देखते हैं। मृदु मध्यम गंधार है, मृदु तीवर हूं निखात, काफी सुंदर राग है, पसावादी संवाद। यह राग काफी ठाट से उत्पन्न होता है। इसमें गंधार व निषाद कोमल तथा शेष सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। इसका वादी स्वर पंचम व संवादी षड्ज है। कोई कोई गुणीजन गंधार और निषाद का संवाद मानते हैं। क्रमिक पुस्तक मालिका ग्रंथ के लेखक पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी, इनको पहला मत अधिक माननीय है। पहला मत, इसका अर्थ क्या हुआ? वादी स्वर पंचम व संवादी स्वर षड्ज, यह मान्य है। इस राग की जाति संपूर्ण संपूर्ण है। संपूर्ण संपूर्ण का अर्थ सातों सुरों का प्रयोग आरोह व अवरोह दोनों में होता है। गायन समय मध्य रात्रि है। कोई कोई इसका गायन समय सायंकाल भी मानते हैं। सर्वसाधारण में यह राग काफी लोकप्रिय है। इसके आरोह में तीव्र गंधार और तीव्र निषाद अनेक बार लगाए हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर तीव्र गंधार और निषाद, इनके लिए जब तीव्र शब्द युद्ध होता है तो इससे आपको समझना है कि यहाँ पर शुद्ध स्वरों का प्रयोग किया जा रहा है। इन स्वरों के उचित प्रयोग से राग का वैचित्र्य बढ़ता है, अर्थात इसका सौंदर्य जो है वो काफी उभर कर आता है। किंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि तीव्र गंधार और तीव्र निषाद इस राग के नियमित स्वर नहीं है। कभी कभी क्वचित कोमल धैवत मतलब यहाँ पर अब हम जो धैवत नॉर्मली हम कैसे लेते हैं काफी में तो शुद्ध लिया जाता है, लेकिन कभी कभी कोमल धैवत लिया जाता है। तो कोमल धैवत लेकर भी चतुर गायक राग हानि नहीं होने देते, लेकिन ये बहुत रिस्की है। तो किंतु वही बात यहाँ पर लिखी गई है, किंतु यह प्रयोग गायक की कुशलता पर निर्भर करता है। इस राग की विशेषता सा कोमल गंधार प कोमल निषाद इन स्वरों में है। यह यावनिक राग है। यावनिक अर्थात यह हमारे पारंपरिक संगीत का भाग नहीं है, हमारे संस्कृति का भाग नहीं है, ये बाहर से आया हुआ राग है, इसलिए इसको कहा गया यह यावनिक राग बताया जाता है। साधारण श्रोतागण सा सा रे रे कोमल गंधार ग ग म म और प इस विशिष्ट स्वर समुदाय से तत्काल ही इस राग को पहचान लेते हैं। तो आइए इसकी समरी देख लेते हैं। वादी स्वर पंचम है, संवादी सा, विकृत स्वर कोमल गंधार कोमल निषाद, गायन समय मध्य रात्रि का माना गया है और इसकी जाति संपूर्ण संपूर्ण है। आइए अब हम आरोह अवरोह और पकड़ इसका स्वरूप देख लें। सारे कौमा कोमल गंधार कौमा म प धनी सा, अवरोह में सा नी ध प म ग रे और सा, पकड़ सा सा रे रे ग ग म म और प। तो यह था राग काफी का परिचय। अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए खुश रहें, सबको खुश रखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।